नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आम जनता में खासा आक्रोश है। वहीं गैस सिलेंडर के मूल्य में हुए वृद्धि के विरोध में पटना सिटी के खाजे कला स्थित बौली मोड़ के पास आम जनता और राजद नेता व कार्यकर्ताओं ने अशोक राजपथ को जाम कर हंगामा किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने की मांग की। मौके पर राजद नेता बलराम चौधरी का कहना था कि केंद्र की सरकार जुमलेबाज सरकार है, जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। ऊपर से घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जनता को महंगाई की आग में झोंका जा रहा है। वहीं राजद नेता ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को अविलंब वापस लिया जाए। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पिछली बार गैस का दाम 25 रुपया बढ़ा है, ये महंगाई जो गरीब के बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग सामान जहां 5 रुपये का मिलता था आज 20 रुपये मिल रहा है। लोग परेशान हैं, ट्रांसपोर्टिंग जो होता है ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गया है, तमाम चीज़ महंगाई आसमान पर छू रही है। हम उस नरेंद्र मोदी की सरकार जो झूठी है, जो देश में को गुमराह करने का काम किया, देश को झूठ बोलकर सत्ता में आने का काम किया, हम ऐसे अच्छे दिन को याद दिलाना चाहते हैं जहां नरेंद्र मोदी और उनके तमाम पार्टी के नेता ने कहा था कि 350 का गैस चाहिए या 250 का गैस चाहिए। 250 वाला गैस मेरी सरकार बनेगी तो देंगे, आज 900 रुपया हो गया और सब्सिडी नील हो गया। ये देश की जनता के साथ ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। आने वाले दिनों में ये जनता, देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपकी आज पटना साहिब राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध प्रकट करके लगातार इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और सरकार को बाध्य कर देंगे जब तक पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि वापस नहीं होगी। इस तरह आंदोलन सड़क सड़क पर गरीब जनता के साथ करने का काम करेंगे। रामपुर निगम पार्षद सब